मुंबई में है आज अल्पसंख्यक समाज का मेला यानी मुस्लिम मेला। जी हाँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के सायन इलाके में और ये सन्मुखानंद हाल है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं ज्यादातर। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये जो मुस्लिम मेला है उसका जो है यहाँ पर वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और किस तरह से आज शिवसेना के साथ मुस्लिम समाज के भी लोग जुड़ चुके हैं वो देखने को, एक तस्वीर, अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखें कि किस तरह से सबके गले में एक भगवा गौछा है और ये जो तस्वीर है ना जल्दी देखने को मिलती है किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की ये मिसाल जो शिवसेना हिंदूवादी शिवसेना मानी जाती है आज वो किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग भी उससे जुड़े हैं इस पर आप देखिए कि एक अलग तस्वीर यहाँ पर भगवा रंग और मुस्लिमों के साथ दिख रही है। क्या ये पूरा प्रोग्राम है, क्या इस कार्यक्रम में बातचीत होने वाली है इस पर हम बात करने के लिए कुछ लोग उसमें बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम इख्तियार खान पठान है। इख्तियार जी, जो ये एक अलग तस्वीर आज सन्मुखानंद हॉल के बाहर देखने को मिल रही है ये तस्वीर क्या कह रही है और क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं सईद खान भैया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुस्लिम जो अल्पसंख्यक मेला हुआ है ये आयोजित किया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी कि शिवसेना के बारे में, मुस्लिमों के बारे में अलग अलग बातें होती रहती, लेकिन सईद भैया और हमारे जो महाराष्ट्र के प्रधान मुख्यमंत्री है माननीय एकनाथ जी शिंदे, इनके नेतृत्व में ये मुस्लिम अल्पसंख्यक मेला आयोजित किया गया है। इसमें जो भी मुस्लिमों के जो भी प्रश्न हैं, समस्याएँ हैं, वो किस तरीके से सुलझे उसके बारे में ये पूरा मेलावा आयोजित किया गया है। और ये पूरा श्रेय हम सईद खान को देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पूरे मुस्लिम समाज के वास्ते इस हमारे परभणी जिले के अंदर रखा है और वो पूरे महाराष्ट्र में भी इस को लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें कि मान लो कि बहुत सारी आरक्षण की बातें हैं, मुस्लिमों को जो नौकरियों की बातें हैं, उनके जो कारोबार के लिए जो भी बातें हैं, ये सारे समस्याओं को लेकर ये मेलावा यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये एकता का भाईचारा यहाँ पर हमको सबको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा कोई भी यहाँ पर एक माहौल ऐसा अलग सा नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। और इस माहौल में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सईद खान का कि जिन्होंने ये मुस्लिमों के लिए एक अल्पसंख्यकों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। ये तस्वीर कम देखने को मिलती है जब मुस्लिमों के कंधे पे जो है भगवा रुमाल हो, ये क्या कहता है? देखिए सर, ये भगवा ये अभी से ही नहीं है, पहले से ही है, सिर्फ ये रंगों का खेल है। जिसने रंगे बता दी कि हरा रंग इनका, भगवा रंग इनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब ये रंग जो है ये इसका प्रतीक है कि ये धैर्य, एक धैर्य जिसका एक प्रतीक है ये रंग का, उसका मतलब है। और ये सब मुस्लिम लोग जितने भी देख रहे हैं अभी पूरा माहौल तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरे मुस्लिम भाइयों का माहौल है। और ये सचमुच ही यहाँ पर ऐसा कभी भी नजर नहीं आएगा तुमको कि ये हरा रंग है और ये नीला रंग है और ये भगवा रंग, ये सब एक धैर्य का प्रतीक है। और ये रंग को लाने में, एक जगह लाने में, ये इसमें हमारे देश के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे सईद भैया, इनका पूरा इस प्रोग्राम को सह जाता है। बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से एक जगह पर इतने मुस्लिम समाज के लोग जुड़े और वो हिंदू मुस्लिम एक साथ की बात करें। भाई साहब, ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है एक अलग तस्वीर है, आप लोग क्या कहेंगे इसके इस मसले पे? आज की ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को बदलने का काम सईद भैया खान साहब ने किया है। आज महाराष्ट्र में सबसे पहले, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे झंडे के बारे में जो आपने इनसे सवाल किया कि ये भगवा क्या है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे झंडे को सईद भैया खान साहब के नेतृत्व में ये सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने अब मान लिया है। मुस्लिम मावड़ों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मुस्लिम मावड़े हैं, ये सईद खान साहब के साथ में एक साथ आके माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब का हद बढ़कर करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और हमें ये यकीन है कि सईद खान साहब के नेतृत्व में हमारे समाज को, जो आज तक हमारे समाज की प्रगति नहीं हुई, हमारे समाज को शिक्षण नहीं, आरक्षण नहीं, आज तक जितनी पार्टियां पक्ष आए हैं सबने जो है तो समाज का हमारे यूज किया है, लेकिन आज हमारे अंदर तब्दीली आई है। हमारे लिए हमारे सईद खान ने एक नारा दिए हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे खुद ख्याल अपनी हालत बदलने का। हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब जो अठरा पगड़ जात धर्म के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, आज हमारी एक उम्मीद इनसे जगी है कि एकनाथ जी शिंदे साहब इस महाराष्ट्र के अठरा पगड़ जात धर्म के लोगों को न्याय देंगे। और इस न्याय के लिए आज ये सारा मुस्लिम समाज सईद खान साहब के नेतृत्व में मुंबई में जमा हुआ है।
आने वाले अब जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के निवडणूक है, इलेक्शन है, अब हमको ये यकीन है ये मुस्लिम समाज को कि अब हमारा वापर नहीं होगा, हमारे समाज को न्याय मिलेगा, हमारे समाज की प्रगति होगी, हमारे समाज को आरक्षण, शिक्षण, संरक्षण, ये जो चीजें हैं ये मिलके ही रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है और इंशाल्लाह ये उम्मीद को बरकरार रखेंगे। बहुत बड़ी बात है कि एक उम्मीद के साथ ये तमाम अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जिस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल होने वाले हैं। ये लोग भी प्रगति चाहते हैं, इनके अंदर भी एक उम्मीद है कि जिस तरह से पूरे देश में उन्नति हो रही है, हर समाज के लोग बढ़ रहे हैं, वैसे मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ने चाहिए। आप लोग क्या मांग करने वाले हैं आज जो एकनाथ शिंदे जब मिलेंगे तो किस तरह की बातें आप लोग सामने रखने वाले हैं? देखो 15 साल तक जो पहले की सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं पाई है, हमारे एजुकेशन का मुद्दा हो या हमारे आरक्षण का हो, हमारी सोसाइटी का हो या यंगस्टर का कोई बिजनेस का मुद्दा हो, आज तक तो हमारा यूज किया गया है और कोई हमारे लिए कोई मतलब जो मौलाना आज़ाद सोसाइटी उसके अंदर भी आज तक कोई फंड या पेमेंट नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि एकनाथ जी शिंदे साहब को देखते हुए हमारी एक उम्मीद जगी है कि इंशाल्लाह वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम सईद खान के नेतृत्व में उनके हाथ बटाने के लिए आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं कि वो साहब हमारे लिए कुछ ना कुछ और आगे करें। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं तो वो मुद्दे हमारे जो आज हम अंदर साहब के सामने रखने वाले, तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि उसमें से हमारे लिए 100% साहब हमारा काम करे। कहाँ कहाँ से ये मुस्लिम समाज के लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए हुए साहब? ये पूरे महाराष्ट्र से लोग आए, नागपुर से लेके मुंबई तक ऑल महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर जमा हुए। तो ये मुंबई के सायन इलाके में आप देखिए कि ये सन्मुखा हॉल है और यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए और जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं मुस्लिम समाज से जुड़े लोग, वो पूरे महाराष्ट्र से आए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी प्रगति हो, उनकी भी कुछ मांगे हैं, सरकार उनके साथ है। तो ये तस्वीरें बहुत ही शानदार तस्वीरें यहाँ पर ये देखने को मिल रही हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की और समाज में जिस तरह से इस वक्त नफरत की बातें हो रही हैं, अगर ऐसे माहौल में इस तरह की तस्वीरें आए तो वो देश के लिए कितनी अच्छी हो सकती हैं। ये तस्वीर आज हम मुंबई के इस हॉल के बाहर दे सकते हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए जुड़े लोग जुड़े हैं और उनके कंधे पर है भगवा रंग का रुमाल और एकनाथ शिंदे के सामने वो रखने वाले हैं अपनी बात ताकि मुस्लिम समाज का भी प्रगति हो और उनका भी साथ मिले और देश के हर कदम से कदम वो हर जितने भी विकास के काम हो रहे हैं उससे कदम से कदम वो मिला सकें। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ मुंबई।